आज के इस टॉपिक में हम कुछ स्पेलिंग रूल्स रिलेटेड टू वर्ब्स सीखेंगे। सो आप सबको पता है मोस्ट रेगुलर वर्ब्स, जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो ई डी से, टी से या डी से एंड होता है इन इट्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स ई डी से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पास पासड पासड, टॉक टॉकड टॉकड, आंसर आंसर्ड आंसर्ड। When verbs end in E, we just add D. जब भी कोई verb E से end होता है, हम उसके second और third form में क्या लगाते हैं? D लगाते हैं। For example, love, loved, loved. Hope, hoped, hoped. Believe, believed, believed. When one syllable word end in a vowel plus consonant, जब भी कोई one syllable word, syllable का मतलब क्या होता है, वन साउंड इन अ वर्ड, एक साउंड जो वर्ड में होता है इसको बोलते हैं सिलेबल। सो व्हेन वन सिलेबल वर्ड एंड इन अ वाउल प्लस कंसोनेंट, वी डबल द फाइनल कंसोनेंट एंड ऐड ईडी। जब भी कोई सिंगल सिलेबल वर्ड वाउल प्लस कंसोनेंट में एंड होता है तो हम क्या करते हैं, उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम डबल करते हैं, दुगना करते हैं उसका फाइनल जो कंसोनेंट होता है। उसके एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ऐसी है, शॉप को बनेगा शॉपिट, सिकिप को बनेगा सिकिपिट, स्टॉप को बनेगा स्टॉपिट। मगर ये जो रूल है ये उन सिंगल सिलेबल वर्ड्स पर लागू नहीं होता है जो एंड होते हैं डब्ल्यू से, वाई से या एक्स से। उनकी एग्जाम्पल ऐसी है, स्टॉव, स्टॉव को एस टी ओ डब्ल्यू ई डी, उसका डब्ल्यू हमने डबल नहीं किया। इसी तरह से ब्रे, ब्रे को बनेगा ब्रेड, तो इसी तरह से हमने वाई यहां पर डबल नहीं किया। इसी तरह से फैक्स, एफ ए एक्स ई डी, और एक्स को हमने यहां पर डबल नहीं किया। इफ ए वर्ब एंड्स इन अ कंसोनेंट प्लस वाई, तो वाई इज चेंज्ड इनटू आई एंड देन ई डी इज एडेड। अगर कोई भी वर्ब एंड होता है कंसोनेंट प्लस वाई, the y is changed into I and then ed is added. Uski example ye hai, hurry, yahan par h u r r y, yani r yahan par consonant hai aur y consonant plus y, yahan par y hai, r is consonant aur plus ho gaya y, yani hurry, hurry ko banega h u r r i e d, to y ko humne change kiya i mein fir ed lagaya. Isi tarah se carry, carried, fry, fried. Now let's come to another rule. If a verb ends in a vowel plus y, अगर कोई भी verb end होता है vowel से, फिर उसके बाद y उसमें add होता है, the ed is added to the word without changing y. हम उसके बाद उसमें ed लगाते हैं और y को change नहीं करते हैं। उसकी example ये है, stay, s t a y, stay. सिटी को बनेगा एस टी ए वाई ई डी, तो वाई को हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है बिकॉज इट एंड्स इन वाउल प्लस वाई। तो याद रखना है आपको, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो वाई इज चेंज इन टू आई, अगर वाउल प्लस वाई होता तो वाई को हम चेंज नहीं करते हैं, वाई को ऐसे ही रखते हैं फिर सिंपली ई डी लगाते हैं। इस तरह से दूसरा वर्ड है प्ले, प्लेट, प्रे, प्रेट। हाउएवर वी से pay, say and lay. Pay, say and lay को बनेगा paid, laid and said. तो ये रूल वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, यानी हम y को वहाँ पर क्या ed, उसके बाद ed नहीं लगाते हैं। ये हो गए irregular verbs। यहाँ पर irregular verbs भी हमने अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स कंजुगेशन वर्ब्स में वो आता है, वो भी आप उस वीडियो को रेफर करना, वहाँ पर देखना। आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।